नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीतू रसोई में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर। पनीर कैसे बनाई जाती है, चलिए देखते हैं। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। तो मैंने यहाँ पे 1 kg दूध लिया है, एक बर्तन लिया है, छन्नी की सहायता से इसे छन लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे दूध छन लिया है। फ्लेम ऑन कर देना है, जब तक गर्म ना हो जाए तब तक वेट करना है। यहाँ पे मैं विनेगर यूज कर रही हूँ, तो आप चाहें कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ 1/2 गिलास से मैंने कम विनेगर यूज कर रही हूँ और इसमें जितना विनेगर यूज कर रही हूँ उतना पानी इसमें मिक्स करना है। दूध बॉयल होने वाला है तो आप दूध के अकॉर्डिंग विनेगर यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे दूध को मैं मिक्स कर देती हूँ चारों तरफ से ताकि कोई लम्स ना बने, और इसे चलाते ही रहना है थोड़ा थोड़ा। देखिए ये दूध बॉयल हो गया है तो इसमें विनेगर डालना है। चारों तरफ फैला करके डालना है ताकि पनीर अच्छा से अलग हो सके। तो देखिए दूध अलग, पनीर अलग होना शुरू हो चुका है दूध से, ये बॉयल होने लगा है। तो मैं थोड़ी सी इसे चला देती हूँ, ज़्यादा नहीं चलाना है, थोड़ा ही चलाना है। तो इसे मतलब थोड़ा देर बॉयल होने देना है, तुरंत नहीं निकाल लेना है। तो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से पनीर अलग हो चुका है, पानी अलग हो चुका है। देखिए ये हो क्या है, तो मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। एक यहाँ पे मैंने बर्तन लिया है, इसे कपड़ा भींगा हुआ कपड़ा लेना है, तो कपड़े से इस बर्तन को कवर कर देना है, यहाँ पे पिनअप कर लेना है, बीच में इस तरीके से कर लेना है ताकि पनीर ऊपर छिलके नहीं। चाकू की सहायता से साइड का ये निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से उस कपड़े में डाल देना है और पिनअप खोल करके इसे बर्तन से अलग कर लेना है। पानी थोड़ा यहाँ पे निकाल लेना है, निकाल करके इसके ऊपर भारी सामान रखना है ताकि पनीर दब सके और पानी इसका निकले। तो यहाँ पे मैं उस बर्तन में जिस पे हम दूध गर्म किए थे उसी में पानी भर के इसमें रख देंगे। देखिए तो पानी भर के 1 से 2 घंटा रखना है, चाहे फिर आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, 30 मिनट काफ़ी है। तो ये पनीर बन चुका है, बाय।